वेल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अंकित। मैं क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड अपडेट्स डालता हूँ अपने चैनल के ऊपर। कुछ कॉइन्स मैं माइन कर रहा हूँ अपने ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर, तो उसके रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहते हैं, अपडेट्स डालते रहते हैं कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ मदरबोर्ड्स थे जिसमें मैं अभी फिलहाल वर्क कर रहा था, और वो मदरबोर्ड ख़राब हो गया था मार्केट में भी। बेसिकली मेरे पास कोई एग्जैक्टली सप्लायर नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं वो मदरबोर्ड ठीक करवा पाऊँ। तो इसके अलावा मैंने छोटे मदरबोर्ड्स पे या फिर जो चीप मदरबोर्ड्स जो आते हैं जिनके अंदर 3 स्लॉट्स होते हैं ग्राफिक कार्ड्स के, उनके ऊपर मैंने स्विच कर दिया था। और जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि अगर ये सेम प्रॉब्लम मेरे को दोबारा से आती है तो मैं ये महंगे मदरबोर्ड्स नहीं लूँगा। आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स टू द चीपर मदरबोर्ड्स जो मेरे पास अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हम उसके ऊपर जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बार आपको सेटअप दिखा देता हूँ। सेटअप की ओर लेके चलते हैं कैमरा, और आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हो कि ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है मेरे ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर। तो ये सारी मशीन है, आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे ये 1660 Ti गिरेगा, वहाँ पे भी 2 1660 सुपर लगे हुए हैं, वहाँ पे पीछे RX 580 चल रहा है, और ये वाला भी एक सुपर कार्ड है 1660 सुपर। तो ये एग्जैक्टली सेटअप है जो भी यहाँ पे चल रहा है, और एक माइनर मेरे पास यहाँ पे भी चल रहा है जो कि सिस्टम यहाँ पे लगा पड़ा है मेरे पास। तो इसमें भी एक मैंने अपना माइनर चलाया हुआ है। तो अब बात करता हूँ मैं आपसे कि अभी बेसिकली क्या स्पेकुलेशन अभी चल रहा है माइनिंग के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो स्पेकुलेशन माइनिंग चल रही है। स्पेकुलेटिव माइनिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली लोग स्विच ऑन करते रहते हैं अपनी मशीन्स को डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे, या फिर सेम एल्गोरिदम पे डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर, और उस पर स्पेकुलेट करते हैं कि कौन से किस टाइम पे जो भी कॉइन है वो ऊपर जाएगा प्राइस के अंदर। तो उसी के बेसिस पे ये स्पेकुलेटिव माइनिंग करी जाती है। तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता रहा था, जैसे कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है व्हाट टू माइन करके। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि वेबसाइट दिखती कैसे है ये, और आप कैसे कैसे वहाँ पे आप पूरा अपने ग्राफिक कार्ड्स को आप कैसे पूरा चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे, कि कितना क्वांटिटी आपके पास ग्राफिक कार्ड्स की है, उसके बेसिस पे आप कैसे माइन कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स पे चलते हैं क्या कॉइन्स, तो वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, ये बेसिकली whattomine.com है, और यहाँ पे आप डिफरेंट ग्राफिक कार्ड डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपने डाले हुए ग्राफिक कार्ड 580 है मेरे पास, 1660 सुपर है मेरे पास, 1660 Ti है मेरे पास। तो ये मैंने क्वांटिटी डाली हुई है कार्ड्स की। यहाँ पे नीचे आपको सारा ये जितना भी आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये एल्गोरिदम्स हैं, उनकी स्पीड्स है, और प्लस कितने वॉट वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो ये सारा आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं नीचे आता हूँ तो इसी पे अगर मैं कैलकुलेट पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट का ये बटन दिया हुआ है, तो कैलकुलेट पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे ये कॉइन्स आ जाएंगे उसके बेसिस पे कि आपके ग्राफिक कार्ड को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन कौन से एल्गोरिदम पे है और कौन सा कॉइन है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास न्यूराई करके कॉइन है, XNA करके कॉइन है, ये करीब करीब मेरे पास आ रहे हैं 519 कॉइन्स यहाँ पे, और रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली वेबसाइट है जहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो भाई ये डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके ग्राफिक कार्ड के हिसाब से ये कॉइन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे एस्टिमेट रिवॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको जो भी प्रॉफिटेबल लगेगा आपके ग्राफिक कार्ड को, जो भी प्रॉफिटेबल होगा उस टाइम पे जो भी कॉइन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और उसको अकॉर्डिंगली आप माइन कर सकते हो। और मैं जो कॉइन माइन कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर लेता हूँ। स्पेसिफिकली जो माइन कर रहा था दैट इज़ फ्रेंड कॉइन करके है, एक काओ प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर था वो, बेसिकली KAW प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर वो कॉइन है अभी फिलहाल। और वो मेरे जो कॉइन्स माइन करे थे वो लास्ट मंथ अक्टूबर के अंदर मैंने माइन करने स्टार्ट करे थे, और
टोटल जो मैंने कॉइन माइन कर लिए हैं वो भी करीब करीब 8 करोड़ कॉइन्स थे जो मैंने माइन कर लिए हैं। और एक्सचेंज मैं आपको बता देता हूँ और माइनिंग पूल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है माइनिंग पूल और कहाँ पे वो एक्सचेंज है जहाँ पे वो कॉइन्स अभी बेसिकली ट्रेड हो रहे हैं। तो मैं स्पेकुलेटिव माइनिंग जो कर रहा हूँ वो भी फ्रेंड कॉइन के ऊपर कर रहा हूँ। बाकी आप कौन से कॉइन के ऊपर माइनिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको अगर प्रॉफिटेबल हो रही है माइनिंग तो आप कौन से कॉइन के ऊपर माइन कर रहे हो तो वो आप एक बारी कमेंट सेक्शन से मुझे बता सकते हो और हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है फ्यूचर में जाके जीपीयू कॉइन जो है। और अभी मैं आपको पूल दिखा देता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको अभी एक्सचेंज के ऊपर भी लेके चलता हूँ। एक्सचेंज का जो नाम है बेसिकली XEGGEX, आप इसको पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं बट एग्जैक्ट करके एक एक्सचेंज है जिसके ऊपर ये कॉइन ट्रेड हो रहा है। डेली अगर आप उस पर विड्रॉल लिमिट देखो तो $2,000 तक की विड्रॉल लिमिट है उस एक्सचेंज के ऊपर विदाउट KYC, तो वहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हो आप कॉइन को। तो मेरे पास जो कॉइन टोटल माइन हुए थे वो मैंने 8 करोड़ कॉइन माइन कर चुका हूँ अभी। तो वो मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ अभी कि कौन से पूल के ऊपर मैंने माइन करे हैं और कौन सा एक्सचेंज पे वो ट्रेड हो रहे हैं। तो ये बेसिकली पूल है जहाँ पे मैंने माइन करे हैं। ये आ रहा है आपका माइनिंग फॉर पीपल करके, ये पूल है, ये मेरा फ्रेंड कॉइन का एड्रेस है। टोटल कॉइन्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8 करोड़ कॉइन्स माइन कर लिए हैं। और इसके साथ साथ एक्सचेंज में आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था XEGGEX करके ये एक्सचेंज है और यहाँ पे इसका रेट ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको सेल आउट करता हूँ करीब करीब इसी प्राइस के ऊपर, तो 8 करोड़ का जो प्राइस आ रहा है वो करीब करीब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 8 करोड़ का प्राइस आ रहा है यहाँ पे टोटल। तो इतने कॉइन्स हमने माइन कर लिए हैं जो माइनिंग पूल से है, क्योंकि ये जो कॉइन है वो बेसिकली लास्ट मंथ ही मेरे को पता चला था कि ये कॉइन है ऐसा जहाँ पे बेसिकली पता चला था मुझे कि ये कॉइन है अभी नया निकला है और अपडेट मिली थी कि ये कॉइन्स आप प्रॉफिटेबल हो सकता है आगे जाके। तो मैंने ये थोड़े से माइन कर लिए थे पहले जाके ही, ब्लॉक्स मिल रहे थे इस कॉइन के तो मैंने ब्लॉक माइनिंग करी थी, मुझे काफ़ी सारे ब्लॉक्स भी मिले थे। माइनिंग फॉर पीपल पूल के ऊपर ही मैंने माइन करे थे और वहाँ पे मैंने ब्लॉक्स भी माइन करे थे इन कॉइन्स के, तो आप इस पर भी आप माइन कर सकते हो। बाकी और भी कॉइन्स हैं काओ पाओ के ऊपर, तो आप बेसिकली रेवन कॉइन को माइन कर सकते हो। 2018 के अंदर जो कॉइन है उसका भी प्राइस, रेवन कॉइन का प्राइस करीब करीब 19-20 रुपये के आसपास गया था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव माइनिंग है उसके ऊपर, उसका प्राइस भी ऊपर जा सकता है। बाकी आज बिटकॉइन ने दोबारा से $38,000 को पार कर दिया था, $38,500 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है था अभी आज। और काफ़ी अच्छी मार्केट है अभी। मैं आपको एक बारी ट्रेडिंग का भी सेटअप दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, बेसिकली पढ़ता हूँ कि क्या वॉल्यूम है बिटकॉइन के, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली जनवरी से लेके और अभी दिसंबर तक हम आ गए हैं, तो मैंने ये पूरे साल के अंदर ट्रैक किया था कि कब बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम अच्छा था और कब वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे आया और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल दिखा था बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो अभी फ़िलहाल करते ही है कि अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सारा सिनेरियो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी, और उसको भी एक बारी चेकआउट करते हैं और सजेशंस बताना कि कैसे कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, कि कैसे कैसे हम एंट्रीज ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, फ्यूचर स्पेसिफिकली फ्यूचर मार्केट के अंदर या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जैसे बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड चलते हैं तो उसके ऊपर भी हम कैसे माइनिंग कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर, कैसे हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बाकी मैंने DCA भी करा था रेवन कॉइन को लेकर बाइनेंस के ऊपर, तो जो ग्रोथ दिखी है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% की ग्रोथ दिखती है अगर आप उसको DCA करते हो तो।
बट अकॉर्डिंगली वो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अपने कॉइन्स को बेच रहे हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप मुझे बताना कि आप कौन से कॉइन को माइन कर रहे हो और क्या सोच के आप माइन कर रहे हो और आगे उसका प्राइस क्या हो सकता है और कौन से पूल पे माइन कर रहे हो आप उस कॉइन को और क्या प्राइस आपको मिल रहा है उस कॉइन का, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो।